हेलो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस साल 2023 के फर्स्ट डे से ही अब तक काफी सारे बेहतरीन इंटरेस्टिंग फाड़ वेब सीरीज रिलीज किए ही जा रहे हैं, और हो भी क्यों ना, सभी प्लेटफॉर्म अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए इस रेस में लगे हुए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिल वेब सीरीज ऑन 2023 पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने पहले ही बना कर रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन आई बटन और हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए इंट्रो को ज्यादा ना खींचते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक था, नंबर टेन की प्लेस पे है मथगम, जिसे IMDb पे 6.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है अश्वित नाम के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की, जिसे अपने शहर में होने वाले एक खुफिया पार्टी के बारे में पता करना है, जिसमें सभी अंडरवर्ल्ड के लोग एक साथ मिलने वाले हैं और शहर में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। तो आखिर वो सभी क्रिमिनल मिलकर शहर में क्या करने का प्लान कर रहे हैं, और क्या मिथिया अंत तक अपने शहर को बचा पाता है या नहीं, ये तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो, जिसके लिए आपको 30 से 35 मिनट के 5 एपिसोड देखने होंगे। और हाँ, स्टार्टिंग में सीरीज थोड़ी स्लो है, इसलिए कनेक्ट होने के लिए इसमें आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। नंबर 9, 4 अगस्त को आई हॉटस्टार पे साउथ इंडस्ट्री की तरफ से बेहद ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज दया, जिसे IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है दया नाम के एक ऐसे फ्रीजर वैन ड्राइवर की, जो कि काफी लंबे टाइम के बाद अपने प्रेग्नेंट बीवी से मिलने को जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब अचानक उसके वैन में कहीं से एक लड़की की लाश आ जाती है। तो आखिर उसके वैन में उस लड़की की लाश आखिर कहां से आई, और अगर उस लड़की की मर्डर की गई है तो आखिर उसके मर्डर के पीछे किसका हाथ है, और जो बेचारा दया इन सब के बीच फंस चुका है, आखिर वो इन सब सिचुएशन से बाहर कैसे निकलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न आपको बेहद ज्यादा पसंद आने वाले हैं। इसी के साथ अगले नंबर 8 की प्लेस पे है हाल ही में 15 सितंबर को आई डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक और न्यू सीरीज काला, जिसकी स्टोरी जनरली रिवेंज ड्रामा को फोकस में रखती है, जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है शुभेंदु नाम के एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की, जो कि 1988 में देश छोड़कर कहीं भाग जाता है, और इसके बाद उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, पर उसके बेटे को अपने फादर के बारे में कुछ ऐसे लीक्स मिलते हैं जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर 1988 में ऐसी क्या घटना हुई थी, और आखिर इन सभी के पीछे किसका हाथ है, तो आखिर इन सभी मिस्ट्री को ऋत्विक कैसे सॉल्व कर, ये तो आप किस तरह से देखकर जानो, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न काफी अच्छे हैं। नंबर 9, जियो सिनेमा पे आई बेहद ही कमाल की इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिल सीरीज कालकोट, जिसे IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है रविशंकर त्रिपाठी नाम के एक ऐसे न्यूली पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो ये नौकरी छोड़ना चाहता है, पर इसी बीच शहर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि चलती सड़क पे एक लड़की के फेस के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया होता है, जिसके बाद उस लड़की की काफी बुरी हालत है। तो आखिर उस लड़की के ऊपर एसिड फेंकने के पीछे आखिर किसका हाथ है, और क्या मकसद, और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ही सीरीज में दिखलाई गई है, जो कि वाकई काफी कमाल की है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। नंबर 6 के प्लेस पे एक बेहद ही ब्रूटल थ्रिल सीरीज आखिरी सच, जिसे IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस की गई है एक रियल स्टूडेंट पे, जिसमें दिल्ली के बुरारी प्लेस में एक रात एक ही फैमिली के सभी 11 मेंबर सभी एक साथ फांसी लगा लेते हैं। हाँ, पर इस सीरीज में स्टोरी को थोड़ी बहुत फिक्शनलाइज की गई है, जिसमें ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखलाई गई है कि आखिर उन सभी की फांसी लगाने के पीछे आखिर क्या मिस्ट्री है, और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो अगर आपने अभी तक नेटफ्लिक्स के द हाउस ऑफ सीक्रेट द बुराइट दैट अगर नहीं देखा है, तो फिर ये सीरीज आपको डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जिसे आप डायरेक्टली डिज्नी प्लस हॉटस्टार से देख सकते हो। नंबर 5 की प्लेस पे है जियो सिनेमा पे आई बेहद ही कमाल की इंटरेस्टिंग फाड़ू बायोग्राफी सीरीज ताली, जिसे IMDb पे 8.2 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस श्री गौरी सावंत की लाइफ के ऊपर, जिन्होंने रियल लाइफ में अपनी कम्युनिटी को हक दिलाने के लिए काफी स्ट्रगल किया, और इसी के साथ सीरीज में उनके गणेश से गौरी बनने तक के सफर को भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखलाया गया है। हाँ, पर सीरीज में बस एक ही कमी है कि आप इससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। नंबर 4, हाल के दिनों में आई प्राइम वीडियो पे एक बेहद ही कमाल की गैंगस्टर ड्रामा सीरीज मुंबई मेरी जान, जिसे IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी फोकस करती है मुंबई शहर के 1960 से 70 के दौर की, जब मुंबई शहर में हाजी पठान और अन्ना जैसे गैंगस्टर का राज चल रहा होता है, और चोरी स्मगलिंग ड्रग्स और मर्डर ये तो आम सी बात होती है। वहीं दूसरी साइड शहर में इस्माइल कादिर नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की स्टोरी को भी काफी डिटेल से दिखलाई गई है, जिसने हाजी पठान और अन्ना जैसे गैंगस्टर के नाक में तो दम करके रखा था, पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आती है जब उसी ईमानदार पुलिस का बेटा शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और उन सभी गैंग को चुनौती देने लगता है। तो आखिर एक पुलिस ऑफिसर का बेटा आखिर गैंगस्टर आखिर कैसे बना, और इसके पीछे क्या मिस्ट्री होगी, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई बेहद ही कमाल की है।
नंबर 3 स्कैम 2003 और स्कैम 1992 के बाद ये इनकी दूसरी सीरीज है, पर हाँ इन दोनों सीरीज के स्टोरी लाइन और प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। और इस बार स्टोरी फोकस की गई है देश में हुए 30,000 करोड़ के स्कैम के ऊपर, जो कि एक अब्दुल करीम नाम के व्यक्ति ने किया था, वो भी स्टाम्प पेपर को फेरबदल करके। तो आखिर वो इतनी बड़ी स्कैम आखिर कैसे कर पाए और वो पुलिस की नजरों में आखिर कैसे आया, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि 1 सितंबर को सोनी लाइव पे रिलीज हो चुकी है। नंबर 2 द फ्रीलांसर, जिसकी स्टोरी बेस्ड है अ टिकट टू सीरिया नाम के बुक के ऊपर, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है विनाश नाम के एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जो कि पैसे लेकर किसी भी मिशन को कंप्लीट करने का काम करता है, और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो आखिर इस बार उसे कौन सी मिशन मिली और आखिर वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या कुछ करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके फिलहाल अब तक केवल 4 एपिसोड्स आए हैं और बाकी के बचे एपिसोड्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 1 की ओर। और नंबर 1 की प्लेस पे है नेटफ्लिक्स पे आई बेहद ही कमाल की इंटरेस्टिंग फाड़ू सीरीज गन्स एंड गुलाब, जिसे IMDb पे 7.8 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली भी है। और इस सीरीज के बारे में कुछ और बताने से पहले बस मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि इस सीरीज को राजन डीके ने बनाया है, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे टॉप क्लास की सीरीज को भी बनाया है। और इस बार नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है, जिसमें 90s के दौर को एक बार फिर से दिखलाई गई है, जिसमें काफी सारे गैंग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं अपने अफीम के बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पर इसी के साथ सीरीज में लव एंगल रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी डाला गया है। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है जिसे आप सभी को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज आपको पसंद जरूर आएंगे। पर इस लिस्ट की आपकी सबसे फेवरेट सीरीज कौन सी और आप किस सीरीज को सबसे पहले देखना चाहोगे मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए। और आपने ऑलरेडी इस लिस्ट में किस किस सीरीज को देख कर रखा है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।